हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बम्पर पोलिंग की शुरुआत के बीच पूरे राज्य की नजर 7 अहम विधानसभा सीटों पर लगी है। इन 7 सीटों से राज्यों के दिग्गज खिलाड़ी मैदान में हैं। आमतौर पर राज्य में बीते 2 दशक के दौरान किसी पार्टी को दोबारा सरकार बनाने के लिए नहीं चुना गया है। राज्य की मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और राजा वीरभद्र सिंह के हाथ में सत्ता की कमान है। कांग्रेस की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी की संभावनाओं को नकारते हुए एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की है। मंडी, जी हाँ, सबसे पहले ये सीट है। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व कांग्रेस नेता अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है। अनिल शर्मा सुखराम के पुत्र हैं और उनका मुकाबला चंपा ठाकुर से है। चंपा ठाकुर मौजूदा सरकार में मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी हैं। दूसरे नंबर पर आती है दारंग। इस सीट पर कांग्रेस नेता मंत्री कौल सिंह ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के जवाहर ठाकुर से है। कौल सिंह ने इस सीट पर 1970 के बाद हुए सभी 9 चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई और कुल 8 बार यहां जीत दर्ज की है। अर्की, इस सीट पर राज्य के मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी वीरभद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के रतन पाल सिंह से है। चौथे नंबर पर आते हैं सुरजानपुर। इस विधानसभा सीट से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल मैदान में हैं। धूमल का मुकाबला कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह से है। कारसोग राज्य में रिजर्व सीट है। यहां से कांग्रेस दलित नेता मनसाराम मैदान में है। इस सीट से मनसाराम, ये 11वां चुनाव है। उनके मुकाबले सीट पर बीजेपी के हीरा लाल मैदान में है। शिमला रूलर, ये विधानसभा सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सबसे सुरक्षित किला है। इस बार इस सीट से वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य का मुकाबला बीजेपी नेता प्रमोद शर्मा कर रहे हैं। नादौन, इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी नेता विजय अग्निहोत्री से है। पालमपुर, इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता इंदु गोस्वामी मैदान में है। उनके मुकाबले बीजेपी के ही बागी नेता प्रमोद कुमार मैदान में है। SPNI न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।